पीट के मामले में पड़ी थी सजा। रीवा सीजेएम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की कैद, आरोपी ने दूसरी मंजिल से लगा दी छलांग। जिला न्यायालय परिसर स्थित सीजेएम कोर्ट में न्यायाधीश के सामने एक आरोपी ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हादसे के बाद न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। तभी वकीलों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को खेद कर पकड़ लिया। हालांकि इस वारदात में आरोपी बाल बाल सुरक्षित बच गया है। घटना की सूचना के बाद पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पुनः सीजेएम कोर्ट में पेश किया है, जहां की उसे केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2009 में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मारपीट के एक मामले में आईपीसी की धारा 456 का अपराध जितेंद्र सोंधिया उर्फ धीरू पुत्र रामू सोंधिया और राजेश सोंधिया उर्फ राजू के खिलाफ दर्ज हुआ था। इस मामले में फरियादी शंकर लाल गुप्ता और भीमसेन गुप्ता थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी और फरियादी पक्ष सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पांडे टोला के निवासी थे। सीजेएम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना। निरीक्षक अवनीश पांडे ने बताया कि शनिवार को 4 बजे के आसपास दोनों को धारा 456 के मामले में 1-1 साल की सजा व 5,000 का जुर्माना हुआ था। जैसे ही बहस पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला पढ़ना शुरू किया है, वैसे ही जितेंद्र सोधिया ने न्यायालय की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उड़ा तो वकीलों के झोपड़े में गिरा। मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने बताया कि सजा सुनने के बाद जितेंद्र सोधिया सीधे जंप मार दिया, लेकिन नीचे वकीलों का झोपड़ा बना था। ऐसे में वह सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे नीचे की ओर गिरा, जिससे उसको कहीं पर चोट नहीं लगी। वहीं वकीलों के ऊपर अचानक से गिरे आरोपी से सब चौंक गए, लेकिन जब आरोपी भागने लगा तो सभी वकील पकड़